दिल्ली के चुनाव में बिहार की तीन पार्टियों ने भी दांव लगाया, लेकिन उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। बता दें, दिल्ली चुनाव में यह पहला मौका था जब जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी ने बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मिलकर दिल्ली का चुनाव लड़ा था। इनका मकसद बिहार और पूर्वांचली वोटरों को लुभाना और बिहार चुनाव तक अपना गठबंधन मजबूत बनाए रखना था। जेडीयू और एलजेपी ने तो अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन में फिसड्डी हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 दिनों तक दिल्ली में डेरा जमाए रखा था। वोटरों ने उनके बिहार मॉडल को तो नकार दिया, लेकिन बुराड़ी में जेडीयू के उम्मीदवार को 51,440 वोट और संगम बिहार में 32,823 वोट मिले। बता दें, जेडीयू को 2 सीटों पर 0.91% वोट मिला। वहीं एलजेपी सीमापुरी की 1 सीट से चुनाव लड़ी थी। एलजेपी के उम्मीदवार को 32,284 वोट मिले। इनका वोटिंग प्रतिशत 0.35 रहा। वहीं 4 सीटों पर किस्मत आजमा रही लालू की पार्टी आरजेडी को मात्र 0.04 यानी ना के बराबर वोट में ही संतोष करना पड़ा। आरजेडी को उत्तम नगर में 377 वोट, पालम में 522 वोट, किराड़ी में 256 वोट, बुराड़ी में 2,278 वोट मिले। हालांकि इन तीन पार्टियों के अलावा बिहार की जीतन राम मांझी की एचएएम और पप्पू यादव की पार्टी जेएपी भी दिल्ली के चुनाव मैदान में थी, जो आपकी आंधी में कहीं खड़ी नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत फोकस।